तो गाइस आज हमारे वोकैब सीरीज का डे 11 है और देखिए आज असेंबली करके मीनिंग क्या है इसका, ये मंडली समाज और या सभा, ठीक है सभा, ठीक है सभा, ठीक है मंडली समाज या सभा, पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा या संसद, कमीशन मीन्स आयोग, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन, ठीक है नाउन है, गवर्नमेंट भी मतलब सरकार, एक भी नाउन, ये भी नाउन है, इनके स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में जान लीजिएगा, ठीक है। ऑडियंस दर्शक या श्रोता, ट्राइब मीन्स जनजाति या कबीला, ठीक है इंडस्ट्री मीन्स उद्योग, ठीक है या दरगाह भी बोल सकते हैं, वर्ड मीन्स मतलब परिषद ये भी बोल सकते हैं, और क्या नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन नंबर, यानी वैसे नंबर मतलब मैंने क्या कह सकते हैं, वैसे नाउन्स जो कि दिखते तो सिंगुलर है, यानी सिंगुलर यानी एक वचन, जैसे एक यानी कि एक दिखते हैं, ठीक है संख्या में, लेकिन वो होते हैं प्लूरल है, ठीक है यानी कि उनके लास्ट में लगे एस नहीं लगा होता है तो सोचते हैं कि इसलिए ये सिंगुलर है, लेकिन असलियत में वो प्लूरल ही होते हैं, ठीक है यानी ऐसे नॉन इनके लास्ट में एस नहीं लगा होता तो सोचते हैं कि ये सिंगुलर है, ठीक है लेकिन असलियत में वो प्लूरल होते हैं, उनके लास्ट में लगे एस को एस के लगे, क्योंकि आप सोच रहे हैं किसी भी नाउन को, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि किसी भी नाउन को अगर प्लूरल बनाना हो उसके लास्ट में लगे एस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा सिंगुलर से प्लूरल। देखिए पीपल, देखो इसको देखिए सर, देखिए गाइस इसको बहुत लोग पीपुल बोलते हैं, ठीक है पीपुल बोले या पीपल बोले सही रहेगा, लोग ही, ठीक है। पुलिस मीन्स पुलिस होता है, कैटल मीन्स मतलब मवेशी, पीजेंट्री, ठीक है पीजेंट्री मीन्स कृषक या बोल सकते हैं फार्मर, क्लर्जी मीन्स होता है पादरी, एडमिरल्टी मीन्स जल सेना, इन्फेंट्री मीन्स पैदल सेना, क्वेलरी मीन्स घुड़सवार सेना, इलाइट मतलब हाँ इलिट बोलते हैं इसको, ठीक है इलिट यानी विशिष्ट लोग, नोबिलिटी मीन्स भद्र लोग, ह्यूमैनिटी मीन्स भूमि धर वर्ग, ऑफ स्प्रिंग मीन्स संतान, ठीक है कंपाउंड वर्ड्स यानी वैसे वर्ड्स जो कि हाँ यानी वैसे वर्ड्स जो कि ना जुड़े होते हैं, ठीक है यानी एक से ज़्यादा वर्ड्स, ठीक है और ये सब जो ना एंड से जुड़े होते हैं, यानी कंपाउंड वर्ड्स मतलब कि एक से ज़्यादा वर्ड, यानी एक से ज़्यादा वर्ड जो कि एंड से जुड़े होते हैं, ठीक है। एज मीन्स एज और एक्सपीरियंस यानी कि उम्र और अनुभव, टाइम एंड टाइड मीन्स समय और ज्वार भाटा, सोडा एंड विस्की मीन्स सोडा और विस्की बोल सकते हैं या सोडा जो दारू कहते हैं उसको, स्लो एंड स्टीडी मीन्स धीरे और लगातार, स्टीडली मीन्स भी होता है लगातार, ठीक है ब्रेड एंड बटर मीन्स रोटी और मक्खन, माइंड एंड स्पिरिट मीन्स दिमाग और आत्मा, ठीक है और ये और है सम एंड सबस्टेंस, ठीक है इसका एक ही मतलब होता है सार, ठीक है। मिल्क एंड सुगर मीन्स दूध और चीनी, पावर एंड ग्लोरी मीन्स शक्ति और महिमा, हॉर्स और एंड कैरियज मीन्स घोड़ा और गाड़ी, कैरियज मतलब गाड़ी भी होता है या ढोना भी होता है एक तरह से जो ढोता है वो, फिश एंड चिप्स मीन्स मछली और चिप्स, ठीक है लॉन्ग एंड शॉर्ट मीन्स मतलब की बात, साल्ट, ठीक है साल्ट एंड विनेगर नमक और सिरका, साल्ट एंड पेपर मीन्स नमक और अचार, ठीक है पेपर मीन्स अचार होता है, लॉ एंड ऑर्डर मीन्स नियम और कानून, ठीक है अगर ये क्या है यूनिट नाउंस ऐसी संख्या जो इकाई बताते हो, ठीक है जो संख्या ऐसी संख्या जो एक संख्या को बताते हो इकाई, ठीक है यूनिट नाउंस ऐसी संख्या जो इकाई बताते हो, ठीक है इकाई मतलब समझते होंगे यूनिट, जो संख्या में एक, ठीक है ऐसी संख्या जो संख्या में एक बताते हो, ठीक है स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक यानी यातायात की कतार, बंच ऑफ कीज मीन्स चाबियों का गुच्छा, क्लस्टर ऑफ स्टार्स मीन्स तारों का समूह, यानी कि जो ऐसी संख्या ऐसे नाउन जो कि संख्या में एक को दर्शाते हैं वही होता है ऐसे नाउन यूनिट नाउंस कहलाते हैं वो, और क्लब ऑफ ट्रीज वृक्षों का समूह, ये सब क्या है कलेक्टिव नाउंस है लेकिन ऐसे कलेक्टिव नाउंस है जो कि संख्या में एक को दर्शाते हैं इसको यूनिट नाउंस कहते हैं, बेबी ऑफ गर्ल्स यानी कि लड़कियों का झुंड, स्पीक ऑफ डस्ट यानी कि धूल की परत, इसके बदले हम सब यूज कर सकते हैं अ क्लाउड ऑफ डस्ट, अ पीस ऑफ चॉक मीन्स खली का टुकड़ा, अ वॉली ऑफ अब्यूज यानी गाली का बौछार, अ पील ऑफ लाफ्टर मीन्स हंसी का फुहार, अ हीप ऑफ रबिश मीन्स कूड़े का ढेर, अ पैक ऑफ कार्ड्स मीन्स ताश की गड्डी, अ ब्लॉक ऑफ आइस मीन्स बर्फ का टुकड़ा, अ केक ऑफ सूप मीन्स साबुन का टुकड़ा, ठीक है केक मतलब यू नहीं होता है केक होता है एक और मतलब टुकड़ा, ठीक है अ ग्रेड ऑफ सैंड मीन्स बालू का कण, अ पीस ऑफ एडवाइस मीन्स एक सलाह, ठीक है अ बंडल ऑफ स्टिक्स मीन्स लकड़ियों का
कट्टर। ठीक है गाइस, अ टीम ऑफ प्लेयर्स मींस खिलाड़ियों का एक दल, अ पाइल ऑफ आर्म्स एंड हथियारों का ढेर, अ कॉलम ऑफ एंड्स मींस चींटियों की कतार, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स भाषणों की श्रृंखला, अ ब्लेड ऑफ ग्रास मींस घास का टुकड़ा, अ स्ट्रिप ऑफ लैंड मींस जमीन का टुकड़ा, अ स्ट्रोक ऑफ लक मींस भाग्य का एक हिस्सा, अ शीट ऑफ पेपर मींस कागज का एक ताव, अ चेन ऑफ माउंटेन्स मींस पर्वत श्रृंखला, अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स मींस सिगरेट का डब्बा, ये बहुत हानिकारक होता है, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, स्मोकिंग होता है वो, मानी लंग्स को खराब करता है, अ फ्लीट ऑफ शिप्स मींस जहाजों का बेड़ा, अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन मींस एक सूचना, ठीक है, बिट मतलब से होता है टुकड़ा, अ स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट मींस विरोध की बौछार, आगे देखिए क्या, अ वॉल्यूम अप्लॉज मींस प्रशंसा की लहर, अ वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन मींस प्रश्नों की झड़ी, अ बॉल ऑफ वुड मींस लकड़ी का गट्ठर, अ लोड ऑफ हे मींस सूखे घास का ढेर, ठीक है। हाँ, अब देखिए क्या है, रेपिटेशन कंपाउंड्स, वह ऐसे वर्ड्स जो है दोहरा कर बनते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो कि दोहरा रिपीट करते हैं, यानी उनको फिर से ना लिख करके ना दोहरा कर बनते हैं, ठीक है, देखिए एक ही वर्ड को ना फिर से रिपीट करके ना उनको ना अलग अलग दो अलग वर्ड बना देते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे एक ऐसे शब्द ऐसे वर्ड्स जिनको उनके साथ ही रिपीट करके उनको कंपाउंड्स बना देते हैं, एक साथ एक वर्ड बना देते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं रेपिटेशन कंपाउंड्स, ठीक है, ऐसे वर्ड जो कि दोबारा जो कि दोहरा कर बन जाते हैं, दोहरा कर, जैसे गुडी गुडी का मतलब बन गया, प्यारा प्यारा जाने, वैसे वर्ड्स जो कि दोहरा कर ना एक नया मीनिंग ले लेते हैं, ऐसे फॉर एग्जाम्पल गुडी, तो गुडी को साथ गुडी ले लिया, दो बार गुडी हो गया, कंपाउंड बन गया और मीनिंग लिया अपना प्यारा प्यारा, क्योंकि गुडी का एक मतलब होता है प्यारा, अपने साथ एक और गुडी ले लिया, रिपीट कर लिया, तो इसका मतलब हो गया प्यारा प्यारा, ठीक है। पीटी पीटी मीन सुंदर सुंदर, फिफ्टी फिफ्टी मीन आधा आधा, आपने सुना होगा फिफ्टी फिफ्टी, बाय बाय मीन अलविदा, सो सो मीन ठीक ठीक ही है, हर्स हर्स मीन गुपचुप, चिट चैट मीन गुफ्तगु, ठीक है, डिली डैली मीन ढुलमुल, फिडल फैडल मीन बेवकूफी भरी, फिल्म फ्लैम मींस समर्थन करना है वो बोल सकते हैं, टाइटल या टाइटल गप करना, जिगजैग मींस टेढ़ा मेढ़ा, हली बोली मींस शोरगुल, ठीक है, नैम्बी पैम्बी, ठीक है सॉरी इसको हम सब बोलते हैं, हाँ नैम्बी पैम्बी बोलते हैं, ठीक है, भावनात्मक व्यक्ति, वॉकी टॉकी फुटबॉल, ठीक है, होम रूम यानी एक ही साथ जीना और एक ही साथ रहना, ठीक है, दोनों बोलते हैं एक ही साथ जीना एक ही साथ रहना, हच पच मिस मिला जुला देना, होकस पोकस मिस सबको एक ही साथ लपेटना, हेल्दर सेल्दर यानी कि जल्दीबाजी ना करना, जल्दबाजी ना करना, ठीक है, हैंकी पैंकी मिस ट्रिक या चतुराई से काम लेना, पिंग पॉन्ग मिस क्या कहते हैं अरे बैरियत, हाँ हिगलैडी यानी हिगलैडी पिगलैडी, तितर मितर, ट्रिप ड्रिप ड्रिप, ठीक है, यानी कि पानी की बूंद की आवाज़, स्निप स्निप कतरन की आवाज, यानी कैची, हे हो आश्चर्य, बुब्बो जुब्बो यानी कि बुब्बो जुब्बो मतलब भरतस ना जो कुछ होता होगा इसका मीनिंग है इसका, ठीक है, भरतस ना, चलिए अब देखिए वेरियस साउंड्स, ठीक है, इन तरह तरह की आवाजें, ठीक है, तो ये जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।